अगर आप क्रिकेट की सारी लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो बस सब्सक्राइब करें क्रिकेट ट्रू फैंस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें इस बेल के आइकॉन को लेटेस्ट अपडेट पाए सबसे पहले। वेल स्वागत है दोस्तों क्रिकेट ट्रू फैंस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले एशिया कप 2018 के बारे में। आज हम इंडिया और पाकिस्तान के टॉप 5 बल्लेबाजों को कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कौन सी टीम स्ट्रांग है। दोस्तों पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एशिया कप 2018 15 सितंबर 2018 से स्टार्ट होगा और एशिया कप 2018 का हाई वोल्टेज मैच इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा, जो कि मैच 19 सितंबर 2018 को खेला जाएगा। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स के बैटिंग डिपार्टमेंट के बारे में। जो कि सबसे पहले बात कर लेते हैं टीम इंडिया की बैटिंग डिपार्टमेंट के बारे में, जो कि टीम इंडिया के टॉप 5 बल्लेबाजों में सबसे पहले नाम आता है रोहित शर्मा का, जो कि भारत के जबरदस्त बल्लेबाज है और अभी तक 183 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलकर 6,748 रन बनाए ऑन एन एवरेज 45 का। दोस्तों फिर नंबर दो पर बात कर लेते हैं केएल राहुल का, जो कि बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है टीम इंडिया के, जो कि अभी तक अपने करियर में 12 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलकर 257 रन बनाए ऑन एन एवरेज 32 का। फिर नंबर तीन पर आते हैं शिखर धवन, जो कि अपने करियर में 105 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलकर 4,481 रन बनाए ऑन एन एवरेज 46 का। फिर नंबर चार पर बात कर लेते हैं एमएस धोनी, जो कि अपने करियर में 321 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलकर 10,046 रन बनाए ऑन एन एवरेज 51 का। और नंबर पांच पर आते हैं अंबती रायडू, जो कि अपने करियर में 34 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलकर 1,055 रन बनाए ऑन एन एवरेज 50 का। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान के टॉप 5 बल्लेबाजों के बारे में। जो कि नंबर एक पर आते हैं फखर जमान, जो कि अपने करियर में 18 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलकर 1,065 रन बनाए ऑन एन एवरेज 76 का। फिर नंबर दो पर बात कर लेते हैं बाबर आजम का, जो कि 46 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलकर 1,973 रन बनाए ऑन एन एवरेज 55 का। दोस्तों फिर नंबर तीन पर बात कर लेते हैं इमामुल हक का, जो कि अपने करियर में 9 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलकर 544 रन बनाए ऑन एन एवरेज 68 का। फिर नंबर चार पर बात कर लेते हैं शुएब मलिक का, जो कि अपने करियर में अभी तक 266 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलकर 7,015 रन बनाए ऑन एन एवरेज 35 का। फिर लास्ट में बात कर लेते हैं पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद के बारे में, जो कि अपने करियर में अभी तक 90 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलकर 1,748 रन बनाए ऑन एन एवरेज 38 का। दोस्तों ये तो रहे दोनों टीम्स के टॉप 5 बल्लेबाज, जो कि एशिया कप 2018 में सबकी नजरें इन टॉप 5 बल्लेबाज पर टिकी होगी और दोनों ही टीम्स बैटिंग डिपार्टमेंट में इक्वल है, यानी दोनों ही टीम्स उतने ही स्ट्रांग हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में थे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करके अपनी राय बचा देना ना भूले। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट ट्रू फैंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए।